एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वो सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वो मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। हाँ, थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि हाँ, शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। हाँ, इसलिए वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। हाँ, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वही चौपाल में सो गए। भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वो सारंगी उठा ली और ऊपर
का खोल उतार कर उसे जीप से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वो लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वो लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। हाँ। भोला इस झूठ बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसने जरा भी मिठास नहीं दी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। ओहो। अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें।